नमस्कार। अब हमने बात करते हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें अपने पढ़ेंगे निषेचन। पादपों में निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो पिछले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं कि परागण की क्रिया हो जाती है और परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो निषेचन की क्रिया को आधार प्रदान करते हैं। निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो इसको अपने 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। नंबर 1, परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि। इससे पहले आप निषेचन की परिभाषा देखें। निषेचन फर्टिलाइजेशन, नॉर्मली परिभाषा है नर व मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों का जो संलयन होता है, नर व मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बारे में सबसे पहले स्ट्रास बर्गर ने बताया, और पादपों में निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन किया। इन्होंने निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन लीलियम प्लांट में किया, लीलियम पादप में किया। अब अपने निषेचन की क्रिया कौन कौन से चरणों में संपन्न होती है इसकी बात करते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका की वृद्धि। तो निषेचन की क्रिया का अध्ययन अपने 4 स्टेप में करेंगे। नंबर 1, परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि। नंबर 2, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। नंबर 3, परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। नंबर 4, द्विनिषेचन एवं तिरिक्षल्यन। सबसे पहले बात करते हैं परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि। परागण की क्रिया के पश्चात जब पराग कण कहां पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, तो ये पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। ये वर्तिकाग्र और ये परागकण यहां पर पहुंच गए। यहां से वसा, शर्करा, रेजिन आदि को अवशोषित करते हैं और इनका अंकुरण होता है। ये बीजांड है और इसके अंदर यह भ्रूण कोश या मादा युग्मकों भी।
ये प्राकरण यहां पर पहुंचने के बाद ये वर्तिकागर या इस स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद ये किसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, अवशोषण करेंगे? शुगर, शर्करा, वसा, लिपिड, जल, इनका एब्जॉर्प्शन करेंगे और अवशोषण करने के बाद इनसे प्राग नलिका निकलती है और प्राग कणों से प्राग नलिका का निकलना प्राग कणों का अंकुरण कहलाता है। प्राग कण जर्मिनेट हो जाते हैं। प्राग कण स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया यानी वर्तिका जो है वो इसकी पहचान कर लेती है और पहचान करने के बाद में अगर इसी जाति का है प्राग कण तो उस कंडीशन में इससे प्राग नलिका निकलती है। प्राग नलिका जो निकलती है वो कायिक कोशिका है, वो प्राग नलिका का निर्माण करती है और जनन कोशिका में उपस्थित है जो केंद्रक है वो विभाजन द्वारा दो नरी युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। ये दोनों नरी युग्मक यहां पर आ जाते हैं। दोनों नरी युग्मक जब यहां पर आ जाते हैं तो इसको अपने प्राग नलिका का प्राग कणों का अंकुरण कहते हैं और प्राग नलिका की वृद्धि होती है। तो प्राग नलिका की वृद्धि की अगर अपने बात करें तो प्राग नलिका की वृद्धि अगर वर्तिका मान लो खोखली होती है तो वृद्धि जीवे में हो जाती है क्योंकि प्राग नलिका गति करती है किस तरफ? अंडाशय की ओर, अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर गति करती है, बीजांड की ओर गति करती है। और यह गति किस प्रकार की गति है? रसायन अनुवर्तनी गति, रसायन अनुवर्तनी गति। ये बीजांड की तरफ आकर्षित होती है। तो अगर मान लो ये वर्तिका जो है वो हार्ड होती है, ठोस होती है तो सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा इसको खोखला बनाया जाता है और ये प्राग नलिका बीजांड की ओर गति करती है, बीजांड की ओर गति करती है, अंडाशय में होते हुए बीजांड की तरफ जाती है। तो पहला पॉइंट अपने पढ़ चुके हैं, प्राग कणों का अंकुरण और प्राग नलिका की वृद्धि। दूसरा, प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश। प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार होता है? तो ये बीजांड, ये तीन ऊपर वाली कोशिका जिसको हमने एंटीपोडल सेल कहा था, दो कोशिकाएं ये जो है सिनर्जिड सेल, ये एक सेल और ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक, ये इंटेगुमेंट, इसके ऊपर वाला पार्ट चले जा, नीचे जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ये माइक्रोपाइल, ये फनिकल, इसकी ये कोशिकाएं एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, इसको अपने मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, एंटीपोडल सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये सिनर्जिड सेल, ये एक सेल। अब प्राग नलिका गति करते हुए किस में प्रवेश करती है? बीजांड में प्रवेश करती है। अंदर वाले हिस्से में बाद में प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करती है। और प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन तरह से हो सकता है। नंबर एक, पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब है बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश।
विजयंड द्वार से प्रवेश किसे करेगी? मैं इसी चित्र में तीनों को बता रहा हूं आपको। यहां से प्राग नलिका प्रवेश करेगी, और इसके अंदर ये दो नरयुग्मक, दूसरा नंबर दो चेलेजोगेमी, निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश क्या होता है? प्राग नलिका, ये जो चेलेजा पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहेंगे? चेलेजा। इस चेलेजा भाग से एंट्री होती है प्राग नलिका की, इधर यहां से अगर एंट्री हो रही है प्राग नलिका की तो उसको कहेंगे अपने चेलेजोगेमी। और तीसरा है मीजोगेमी, जिसको अपने कहते हैं अध्यावरणी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरण को तोड़ करके अगर प्राग नलिका की एंट्री होती है तो इसको कहेंगे अध्यावरणी प्रवेश। इंटेगुमेंट को तोड़ करके प्राग नलिका, लेकिन ध्यान रहे कि अंदर वाला ये पार्ट जो आपको दिख रहा है एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद, इसके अंदर प्रवेश केवल इसी पार्ट से होगा। बीजांड में तो प्रवेश हो जाता है, लेकिन जो अंदर वाला भाग है ना, इसके अंदर प्रवेश केवल माइक्रोपाइल पार्ट से होगा। तो हमने दूसरा पार्ट देखा प्राग नलिका का, बीजांड में प्रवेश। प्राग नलिका बीजांड में प्रवेश कर चुकी है, नंबर तीन। तीसरा अपने निषेचन का पार्ट देखते हैं, प्राग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश। प्राग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश कैसे होता है? ये अंदर वाला पार्ट भ्रूण कोष है, भ्रूण कोष में प्रवेश कैसे होगा इसकी अपने बात करते हैं। ये एंटीपोडल सेल है ही, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका, ये द्वितीय केंद्र या ध्रुवीय केंद्रक, ये पॉलीगोनम टाइप का भ्रूण कोष है। और ये भ्रूण कोष किसके अंदर स्थित है? बीजांड के अंदर स्थित है। मैंने बताया था बीजांड में प्राग नलिका तीन तरह से प्रवेश करती है, चेलेजा भाग से, चाहे इधर से प्रवेश करे चेलेजा पार्ट, चाहे इंटेगुमेंट को तोड़कर एंट्री यानी मीजोगेमी, चाहे इधर वाले भाग से प्रवेश करे, किसी भी पार्ट से प्रवेश करेंगे, लेकिन ये अंदर वाले भाग में जो प्रवेश करती है किसके अंदर है? एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोष में प्रवेश करती है। भ्रूण कोष के अंदर जब ये एंट्री होती है इसकी, तो इसी पार्ट से होगी। और ये प्राग नलिका का भ्रूण कोष यानी इस अंदर वाले भाग में प्रवेश। तो मैंने बताया कि चाहे चेलेजोगेमी हो, चाहे मीजोगेमी हो, चाहे पोरोगेमी हो, बीजांड में प्रवेश तो इन तीनों पार्ट से कर सकती हूं, लेकिन भ्रूण कोष में प्रवेश केवल एक ही पार्ट से होगा, और वो माइक्रोपाइल पार्ट से होगा। माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट है यानी बीजांड द्वार वाला भाग।
इसी से हुआ। इसमें अंदर वाले भाग में प्रागनलिका का प्रवेश तीन तरीके से हो सकता है। नंबर वन, अंड कोशिका तथा सहायक कोशिका के मध्य से, ये एक सेल इनके बीच से हो सकता है, सहायक कोशिका के मध्य से। नंबर दो, भ्रूण कोष की भित्ति, ये भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से, यहां से। और नंबर तीन, सहायक कोशिका को बहते हुए, ये सहायक कोशिकाएं हैं, इसको बहते हुए अगर अंदर एंटर हो रही है। तीन तरीके से प्राग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश करती है। तो डियर फ्रेंड्स, प्राग नलिका प्राकणों का अंकुरण हो गया, इसके बाद में प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश हो गया, प्राग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश कर चुकी है। भ्रूण कोष में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, आगे की प्रोसेस देखिए। अगला पॉइंट है अपना द्विनिषेचन और त्रिकसंलय। द्विनिषेचन और त्रिकसंलय यानी पादपों में निषेचन का चौथा पार्ट है, इसमें द्विनिषेचन व त्रिकसंलय। इसको ध्यान से समझिए, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन और त्रिकसंलयन की प्रक्रिया को समझाइए, तीन नंबर का क्वेश्चन आता है। तो द्विनिषेचन और त्रिकसंलयन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये भ्रूण कोष है और इस भ्रूण कोष में प्राग नलिका एंटर हो चुकी है, ये प्राग नलिका की एंट्री हुई, ऊपर वाली एंटीपोडल सेल, एक सेल सिनर्जिड सेल और ये ध्रुवीय। इस प्राग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है, अंतिम सिरे के फटने से इसके अंदर जो दो नर युग्मक थे वो नर युग्मक इसके अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, ये एक सेल है अंड कोशिका, एक सेल के साथ संयोजित होता है, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ संयोजित होता है। अंड कोशिका के साथ संयोजित होता है, इसको कहते हैं अपने ट्रू फर्टिलाइजेशन, TRU, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन और दूसरा जो नर युग्मक है, ये दोनों मेल गेमिट है, मेल गेमिट। ये भी मेल गेमिट, दूसरा जो नर युग्मक है वो संयोजित होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और इसको कहते हैं हमने ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि दो केंद्रक तो पहले से ही हैं और एक इस नर युग्मक का केंद्रक और संयोजित हो जाता है, तीन हो जाते हैं, इस कारण इसको कह दिया ट्रिपल फ्यूजन। और इसमें एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोजित होता है
और एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होता है, दो बार संयोजित होते हैं, इस कारण ये प्रक्रिया कहलाई डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। अब देखिए इस द्विनिषेचन और त्रिकसल्यन की प्रक्रिया के बारे में पादपों में सबसे पहले नावासीन ने बताया था। किसने बताया? नावासीन। उन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट में इसका अध्ययन किया और द्विनिषेचन और त्रिकसल्यन की प्रक्रिया को समझाया। तो फिर देखिए जब प्राग नलिका भ्रूण कोश में एंटर हो जाती है और दो नर युग्मकों को छोड़ देती है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होता है जिसको वास्तविक निषेचन कहते हैं अपने, वास्तविक निषेचन, और दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोजित होता है जिसको अपने ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अंड कोशिका के साथ में एक नर युग्मक संयोजित होता है और संयोजित होता है, इसको अपने ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा है। इसके संयोजित होने के परिणाम स्वरूप इससे क्या बनेगा आगे चल करके? जाइगोट या युग्मनज बनता है। युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से आगे चल करके किसका परिवर्तन होता है? भ्रूण का परिवर्तन होता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ करके संयोजित होकर के और युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण का परिवर्तन होता है। दूसरा नर युग्मक जो है जिसमें हमने ट्रिपल फ्यूजन कहा था वो द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ करके संयोजित होकर के और किसका निर्माण करता है? ये इनकी संख्या क्या हो जाती है? 3n हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या ट्रिप्लोइड हो जाती है 3n। और ये आगे चल करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है जो भ्रूण के चारों तरफ रहता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक बनता है भ्रूण पोष। तो द्विनिषेचन और त्रिकसल्यन की प्रक्रिया पादपों में संपन्न होती है। तो आपने देखा प्राग नलिका पादपों में निषेचन के बारे में, तो पहला पॉइंट था प्राग कणों का अंकुरण, प्राग नलिका की वृद्धि, और प्राग कणों का अंकुरण जो है जैसे ही प्राग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में वसा, शर्करा, पानी इन सब का अवशोषण करके फूल जाते हैं और इनसे प्राग नलिका निकलती है। इस प्राग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं, प्राग नलिका की रसायनानुवर्ती गति होती है और ये अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर गति करती है। उसके बाद नंबर दो पर हमने देखा प्राग नलिका का बीजांड में प्रवेश। प्राग नलिका बीजांड में किस तरीके से प्रवेश करती है? तो इसलिए तीन तरीके बताए। पोरोगेमी बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, नंबर दो चेलेजोगेमी निभागी भाग से प्रवेश करती है, और नंबर तीन मीजोगेमी इंटेगुमेंट या अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट हमने देखा प्राग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश, अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर प्राग नलिका एंट्री होती है। तो यह तो सहायक कोशिका या अंड कोशिका के मध्य से या सहायक कोशिकाओं को भेजते हुए या भ्रूण कोष की वाल या सहायक कोशिका के बीच से प्राग नलिका अंदर प्रवेश कर जाती है और नर युग्मकों को प्राग नलिका का अंतिम सिरा फटने से नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट हमने देखा द्विनिषेचन और त्रिकसल्यन की क्रिया, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसमें दोनों नर युग्मक एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर के युग्मनज का निर्माण करता है जो आगे चलकर भ्रूण का परिवर्तन होता है, और एक नर युग्मक जो है वो द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजित होकर के त्रिगुणित केंद्रक बनाता है जो आगे चल करके भ्रूण पोष का निर्माण करता है और ये उत्तक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद में अपने देखते हैं आगे, इसके बाद
द्विनिषेचन और तीर्थसल्लन की क्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद में बात कर लेते हैं अपने भ्रूणपोष की। भ्रूण की बात अपने बाद में करेंगे। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष तीर्थसल्लन की क्रिया का परिणाम है। तीर्थसल्लन की जो क्रिया हुई थी, यानी जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, यहां पर जो ध्रुवीय केंद्रक है इसके साथ में एक नरयुग्मक संयोजित हुआ था। ये नरयुग्मक इसके साथ संयोजित होकर के केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है और गुणसूत्र त्रिगुणित 3n, गुणसूत्रों की संख्या 3n। अगर मान लो प्रश्न पूछेंगे भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या बताई तो 3n, युग्मनज में बताएं तो युग्मनज के अंदर देखो यहां पर ये सिनर्जिड सेल है, ये एग सेल है। अब इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? n है, ठीक है। इन तीनों के अंदर यहां पर ऊपर वाली एंटीपोडल सेल है, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? n है। और इसमें पहले कितनी थी? 2n। अब जो नर युग्मक आए हैं इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? n। इसमें भी क्या है? n। अगुणित है, क्यों? ये दोनों नर युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने हैं। ये जो पूरा पार्ट है ये भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना है। इसमें 2n होने का मतलब ये है कि एक इधर से n आ गया और एक इधर से आ गया, 2n हो गया। अब एक नर युग्मक इसके साथ में जुड़ जाता है तो 2n तो पहले से ही है, एक n और जुड़ गया 3n। तो भ्रूणपोष आगे चलकर जो बनता है इसे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म या इसको अपने भ्रूणपोष कहते हैं, पोष, पोषण प्रदान करने वाला भ्रूणपोष। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होगी, लेकिन इसमें पहले से n है और एक नर युग्मक और जुड़ गया और इससे क्या बन गया? युग्मनज बन गया। तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 2n। तो भ्रूण जो भ्रूण बनता है वो तो द्विगुणित ही होगा, लेकिन इसको पोषण प्रदान करने वाला जो उत्तक है वो त्रिगुणित होगा। इसको हमने कहा था वास्तविक निषेचन और इसको कहा तीर्थसल्लन, दोनों को सम्मिलित रूप से कह दिया दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तो तीर्थसल्लन की जो क्रिया हुई इसका परिणाम आगे चलकर क्या रिजल्ट निकलता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो अपने बात करते हैं भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछ लिया गया भ्रूणपोष क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, समझाइए। व्हाट इज एंडोस्पर्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, एक्सप्लेन इट। तो भ्रूणपोष पहली बात तो ये है त्रिगुणित होती है, क्योंकि तीर्थसल्लन के कारण बनती है। और इसका मेन काम क्या है? विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य भ्रूणपोष द्वारा किया जाता है। भ्रूण जब विकसित होता है, ग्रोथ करता है, उस समय पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भ्रूणपोष द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्या परिभाषा होगी? ऐसा उत्तक जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है भ्रूणपोष कहलाता है। तो ऐसा टिश्यू जो विकासशील भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन देता है, उसको अपने क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। भ्रूणपोष तीन प्रकार की होंगी। भ्रूणपोष को तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक केंद्रकीय भ्रूणपोष,
केंद्र किए भ्रूण पोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नंबर टू कोशिकीय भ्रूण पोष सेलुलर एंडोस्पर्म। नंबर तीन हेलोबियल हेलोबियल भ्रूण पोष, ये हेलोबियल ही होगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष। केंद्रकीय भ्रूण पोष में भ्रूण पोष का विकास जो है केंद्र के लगातार स्वतंत्र विभाजन द्वारा होता है और केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित रहते हैं। इसमें मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो केंद्रकीय भ्रूण पोष का डायग्राम देखें, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे केंद्रक। ये केंद्रक है परिधि की तरफ चारों तरफ, ये केंद्रक, और इसके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है केंद्र के भ्रूण पोष, ये रिक्तिका। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है नारियल का पानी। सबसे बेस्ट एग्जांपल नारियल का पानी केंद्र के भ्रूण पोष का उदाहरण है। और दूसरा है कोशिकीय भ्रूण पोष। इस प्रकार के भ्रूण पोष में प्रारंभिक भ्रूण पोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात होने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो इनको कोशिकीय भ्रूण पोष की संज्ञा देते हैं इस ढंग से। दूसरे नंबर का भ्रूण पोष है कोशिकीय। सेलुलर, इसके अंदर सेल वाल का निर्माण हो जाता है इस ढंग से। ये कोशिकीय भ्रूण पोष। सेल वाल का निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है कोशिकीय भ्रूण पोष। और गेमोपेटली वर्ग वर्बेस्कस वर्बेस्कस में इस प्रकार की भ्रूण पोष पाई जाती है। अगला तीसरा है हेलोबियल। हेलोबियल में आधे भाग में यानी इन दोनों केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों भ्रूण पोषों का मिला जुला स्वरूप होता है। आधे भाग में केंद्रक स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और आधे भाग में इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। आधे भाग में सेल वाल बन जाती है और आधे भाग के अंदर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं केंद्रक है वो। तो हमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार की भ्रूण पोष पाई जाती हैं। एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के जो सदस्य हैं, हेलोबियल गण के सदस्यों में हेलोबियल टाइप की भ्रूण पोष पाई जाती हैं, जिसमें केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूण पोष पाए जाते हैं। तो भ्रूण पोष का मुख्य कार्य की अगर अपने बात करें तो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किया जाता है और बीज अंकुरण के समय नवोद्भिद पादप जो होता है उसको भोजन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भ्रूण पोष
द्वारा किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने पादपों में निषेचन और भ्रूणपोष इनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में अपने बात करते हैं भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है।